पकड़े पकड़े हेलो दोस्तों, दोस्तों नमस्कार आदाब मैं डॉक्टर उमर खान आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल वेट सर्जरी में स्वागत करता हूं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें ये बेहद बेहतरीन केस आज आपको देखने मिल रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे पेट फट जाएगा एवडोमिन डिस्टेंडेड है तो ये क्या केस है ये सारी चीज़ें अब हम बताते हैं आपको ये बच्चों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये इसके अंदर एसिडोसिस है एल्कोसिस है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं दोनों तरफ डिस्टेंडेड है लेफ्ट को भी और राइट को भी तो ये केस है इम्पेक्शन ऑफ रूमन और ये इम्पेक्शन ऑफ रूमन तो है ही लेकिन इसमें हम सस्पेक्टेड कर रहे हैं कि शायद ये केस इंटू ससेप्शन का भी हो सकता है सबसे पहले हम इस्टोमक ट्यूब को इसमें पास करा रहे हैं इस्टोमक ट्यूब को देखिए कितने आसानी से पास किया जा रहा है ये बच्चे हैं ये बिल्कुल वेल ट्रेंड हो गए हैं किस तरीके से बहुत आसानी से ये गाय प्रेग्नेंट भी है आठ महीने की प्रेग्नेंट है और पिछले आठ से दस दिन से इसने गोबर नहीं किया है चारा नहीं खाती है बैठ भी बैठती भी बहुत कम है बहुत बुरी कंडीशन है इसकी यहाँ से इसको बचाएंगे, यहाँ से प्रयास करेंगे कि ये गाय इनकी बच जाए जैसे ही पाइप डाल दिया पाइप डालने के बाद ये बहुत तेज़ी से इंजेस्टा, अनडाइजेस्टेड इंजेस्टा आने लगा यही वो इंजेस्टा है जो इसकी मौत का कारण बनता है ये देखिए पूरा झाग बने हुए हैं पूरी तरीके से इसको गाय मुँह चला रही है जैसे पशु मुँह चलाता है तेजी और फोर्स के साथ ये आने लगता है ये देखिए कितना तेज़ी से ये सब आ रहा है लगभग 80 से 90 किलो या लीटर हमने ये इंजेस्टा निकाला है और ये इंजेस्टा निकालने के बाद गाय को बहुत रिलीफ मिलता है ये मेरा बहुत सालों से इस पर काम है बहुत सारे पशु इसमें बचते हैं लेकिन इसका रिज़ल्ट इसलिए बहुत अच्छा आता है क्योंकि जो एकदम अब की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास समय मिल जाता है हम इसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं और गोबर का बंद खुल जाता है ये बहुत फोर्स के साथ इन्जस्ट आता है जहाँ भी रुकता है वहाँ पर हम इसको पानी से समर से मिलकर पानी से इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं जैसे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं सारा इन्जस्टर दोबारा से आने लगता है तो बहुत सारे कारण हैं एटोनी ऑफ रूमन इम्पेक्शन ऑफ़ रूमन ससेप्शन, गोबर का बंद और ये बंद पड़ जाना ये सारे चीज़ें इसी में से निकल कर आती हैं तो ये प्रेग्नेंट पशु में अगर हो जाता है किसान ने बताया पशुपालक ने बताया कि सर मेरे साथ तो दिक्कत ये है कि आज तक जितने भी पशु मेरे इस बीमारी में आए एक भी पशु पशु में ख़ास तौर से मेरी गाय बची नहीं है मेरा मनोबल टूटा हुआ है आज तक मेरी कोई गाय बची ही नहीं इस बीमारी में हमने उनसे कहा कि हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि इस बार आपकी गाय को बचाया जाए आपका डॉक्टर्स के प्रति नज़रिया बदले आपका भरोसा बदले कि हाँ इस टाइप के केस भी बच जाते हैं ठीक हो जाते हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम इसका इंजेस्टर निकाल दें तो फलूड थेरेपी करनी पड़ेगी फलूड देना है फलूड का को हम कॉम्बिनेशन में ले देते हैं ये देखिए सब निकलने के बाद ये बिल्कुल पेट अंदर आ गया जो पेट बिल्कुल अफारे लिए हुए था ऐसा लग रहा है जैसे गाय इनकी बह गई ये प्रेगनेंट है आठ महीने की प्रेगनेंट भी है बिल्कुल ये आप देख रहे हैं राइट लेफ्ट साइड का रूमन को देख रहे हैं फ्लैम को देख रहे हैं ये बिल्कुल अंदर चली गई है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर से हम क्रिएट कर रहे हैं देख रहे हैं और इधर फिर दूसरी साइड से हम देखेंगे दूसरी साइड से भी इसका पेट बिल्कुल अंदर चला गया दूसरी साइड का मतलब राइट साइड से भी इसका पेट बिल्कुल अंदर चला गया जो बिल्कुल ऊपर था जो मृत्यु का कारण बन जाता और ये धीरे से हम इसका पाइप निकलवा रहे हैं ये पाइप बाहर आ गया ये देखिए धीरे धीरे इसको पाइप निकालते हैं ऐसे धीरे धीरे एंट्री करते हैं ये पाइप बाहर आ गया यहाँ से अब हम इसको अपनी जगह जहाँ ये बंधेगी वहाँ लेके जा रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम क्लियर हो गई अब सवाल उठता है कि ये गाय जब बिल्कुल ठीक हो गई इंजेस्टर निकल गया तो अपनी जगह से कैसे गोबर आए ये देखिए हम अब चेक कर रहे हैं कि इसका पेट बिल्कुल ढीला हो गया और ये देखिए पूरी तरीके से ढीला पेट हो गया इसका और यहाँ से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे कि ये ट्रीटमेंट क्या होगा ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर गाय ठीक नहीं होगी अब हमें इसको ट्रीटमेंट के लिए औरली लिक्विड पैराफिन हैवी 500 हंड्रेड प्लस 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट दोनों को मिला के बी देना है सुबह और शाम देना है जब तक बंद नहीं खुलता है जब तक इम्फेक्शन नहीं खुलता तब तक लगातार देना है फ्लूट में हम इसको डेक्सट्रोज एनर्जी के लिए देंगे और आरएल दो ची बोतल लगाएंगे इसमें दो बोतल का मतलब दो फ्लूट का इस्तेमाल करेंगे डेक्स रोज टेन परसेंट चार से पाँच लीटर और आर एल चार से पाँच लीटर लगभग आठ से दस लीटर फ्लूट डेली इसमें हमें देना है और इंजेक्शन पेरिनोम टेन एम एल पर डे तीन दिन तक देना है ओ डी देना है इंजेक्शन ट्राईवीवेट बी वन बी सिक्स बी ट इंजेक्शन हमें इसको देना है वो भी हमें 20 से 22 एम एल पर डे दे देना है ओ देना है और हमें इंजेक्शन इसे जो टॉन अप कर सके फास्फोरस का इंजेक्शन हमें सो बीस से पच्चीस एम पर डे दे ओ देना है उसके बाद ये देखेंगे पूरा बेहद बेहतरीन रिजल्ट आएगा पूरे गांव के लोग हैं देख रहे हैं और पूरा अच्छा लगता है कि लोग देखते हैं कि नए नए तरीके लोगों को देखने मिलते हैं और गाय बिल्कुल स्वस्थ हो गई है ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बीमार है एक्टिव हो गई इससे पहले गाय बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी मेरा उद्देश्य पूरी तरीके से यह है कि इस जो विधि है इस विधि से पशु को टाइम मिल जाता है इलाज करने का और जैसी छः सात दिन के बाद पशु गोबर करने लगता है ठीक हो जाता है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद